120 दिनों से भ्रष्टाचार के विरोध में धरना पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल की पत्नी मीरा देवी ने रविवार को सीएम की पत्नी से मिलने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार के विरोध में 120 दिनों से धरना पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल की पत्नी मीरा देवी ने रविवार को सीएम आवास जाकर उनकी पत्नी से मुलाकात करने तथा ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया, पर उन्हें सुरक्षा कर्मी ने रोका और सीएम के आप्त सचिव मनिंद्र चौधरी से मुलाकात कराई गई। आप्त सचिव ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई शिकायत है तो मामला दर्ज करें। आप ही दे रहे हैं श्रीमती रुक्मिणी देवी पति, उनको देने का क्या, चिट्ठी देने का क्या मतलब है? आवास में आवास में आवास के तुले हुए हैं। आप जिससे बात कर रहे हो क्या है? आप जिससे बात कर रहे हो क्या पता है? रघुवर दास मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की क्या बात होती है? उनसे क्या तो उनसे आप बात कर रहे हैं जी? ये उनका सरकारी आवास नहीं है, भाई एक बात और जान लीजिए, यह बिल्कुल उनका निजी आवास है। तो इमीडिएट भेज दीजिए। आप किसी को निजी आवास में नहीं कुछ कर सकते हैं? अरे भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इनके पास कोई भ्रष्टाचार का पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकर के आए थे ना, जिस दिन पर पुख्ता प्रमाण मिलेगा उस पर जाँच होगी और कार्रवाई होगी। रविवार को भाजपा कार्यकर्ता एवं बस्ती विकास समिति के प्रतिनिधियों ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया और घाटों पर असंतोष जताया। विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश यादव के नेतृत्व में भाजपाइयों ने तथा बस्ती विकास समिति के लोगों ने रविवार को छठ घाटों का दौरा किया। छठ पर्व के दौरान साफ सफाई के मद्देनजर उन्होंने कहा कि घाटों में गंदगी का अंबार है और जल्द ही GNAC और जिसको से साफ सफाई के लिए पत्राचार किया जाएगा। मूर्ति उर्ती भी आएगा, गंदगी है यार उधर। क्या क्या करेंगे इधर बताइए ना। तो पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और बस्ती विकास समिति के सभी पदाधिकारी, जैसे माननीय चंद्रशेखर मिश्रा जी पूर्व जिला अध्यक्ष है, हमारे जिला के मंत्री भूपेंद्र जी, पवन जी और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्षगण, आज हम लोग पूरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के सभी छठ घाटों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है। दिक्कत को हम लोग नोट करके जिला प्रशासन के साथ मीटिंग करके, जिसको साथ मीटिंग करके, जेनेसी के साथ बैठक करके, जो जो जहाँ से सुविधाजनक हो सके सुविधाजनक करना, जिससे कि छठ व्रतियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और छठ व्रत को देखते हुए हम लोग यहाँ साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करने का और इसको लेकर के हम लोग आज छठ घाट का दौरा कर रहे हैं। सरकार द्वारा राशन कार्ड वितरण प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। रविवार को GRD के पास करीब 400 लोगों के बीच नया राशन कार्ड वितरित किए गए। नए राशन कार्ड के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि गरीबों के लिए विभिन्न जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा पुराने राशन कार्ड पर अनाज देने से इनकार कर दिया जा रहा था। रविवार को सूची में नामों के अनुसार सेविकाओं के माध्यम से राशन कार्ड बांटे गए। जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए उनके घर के पते पर भी कार्ड पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लिस्ट में नहीं है, लिस्ट जो है सेविका के माध्यम से वितरण हो रहा है और राशन कार्ड के अधिकारी लोग आए हुए हैं। जिस जिस व्यक्ति का राशन कार्ड बन गया है उसको ये लोग द्वार तक पहुंचाने जा रहे हैं, यही कार्यक्रम है। कितने लोगों को उपलब्ध है आज? करीब यहाँ 400 लोगों का यहाँ पर बंटवारा होने की संभावना है। अगर लोग आते हैं तो बंटवारा होगा, उसके बाद नहीं तो घर तक भी ये लोग जाएंगे, सबको सूचना है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा पर रविवार को साक्षी गोचर पर कन्या भ्रूण हत्या, डायन प्रथा, नशा मुक्ति व अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। तूने मुझको मारी, गर्भ में थी मैं, फल कर बेचारी, तेरी क्या मैं बिगारी, तेरी क्या मैं बिगारी।